रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। खंड विकास अधिकारियों के साथ जिला में जारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हरिकेश मीणा ने की। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर जारी विकास कार्यों का निरंतर निरीक्षण करें, ताकि सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज यहां खंड विकास अधिकारियों के साथ जिला में जारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर जारी विकास कार्यों का निरंतर निरीक्षण करते रहें, ताकि सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सके, वो पंचायत के कार्यों को समय से पूरा किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान करें और जल संरक्षण के अधिक से अधिक कार्यों को पंचायत की सेल्फ में डालें। इसलिए पंचायत स्तर पर लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग टैंक तथा चेक डैम निर्मित करने के लिए प्रेरित करें। इस तरह के जल भंडारण टैंक व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरह से निर्मित किए जा सकते हैं और इसके लिए धन का भी समुचित व्यवस्था का भी प्रावधान है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने खंडों में जल संरक्षण के लिए निर्माणाधीन चेक डैम इत्यादि के कार्य का निरीक्षण करें, इनके तकनीकी पहलुओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाएं। चेक डैम व जल भंडारण टैंकों के निर्माण से भू संरक्षण में भी कमी आती है और इससे लघु सिंचाई की सुविधा ग्रामीण लोगों को प्राप्त हो सकेगी। इन भंडारण टैंकों के समीप भूमि पर फलदार व अन्य किस्म के पौधे लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। इस तरह के पौधारोपण कार्यों में उद्यान व वन विभाग का भी सहयोग लें। आसपास के खंडों में हो रहे बेहतर कार्यों का भी एक दूसरे से साझा करें और अपने क्षेत्र के लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 जुलाई 2019 तक लगभग 577 लाख रुपए व्यय कर लगभग 2,50,685 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। इस अवधि में लगभग 96.23% क्रियाशील जॉब कार्ड के सत्यापन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने मनरेगा कार्यों का भुगतान समय पर करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, मातृशक्ति बीमा योजना, पंचायती राज विभाग से जुड़े प्रिया सॉफ्ट ई परिवार इत्यादि पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायतों में 2 लाख से कम कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न पारंपरिक कृषि उत्पादों के उत्पादन तथा उनकी वर्डिंग व मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। बैठक में पंचायतों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्री रतन गौतम, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री केडी सिंह कंवर सहित सभी खंड विकास के अधिकारी उपस्थित रहे।